हाँ, ये पहला क्वेश्चन देखिए। सी सेट टू बी, डू यू रिलाई ऑन वुडू नाउ? ही सेट टू बी, डिड यू रॉब दिस कॉपर लास्ट नाइट? देखिए, आपके सामने चार सेंटेंसेस हैं, चारों इंट्रोगेटिव में हैं। सी सेट टू बी, डू यू रिलाई ऑन वुडू नाउ? उसने मुझसे कहा कि क्या तुम अभी भी जादू टोने पे भरोसा करते हो? सी सेट टू बी, डिड यू रॉब दिस कॉपर लास्ट नाइट? क्या तुमने उसकी तिजोरी को कल रात लूटा था? He said to us, have you beaten him here? क्या तुमने उसकी यहाँ पर पिटाई की थी, की है, सॉरी। और she said to me, are you selling your house now? क्या तुम अभी अपना मकान बेच रहे हो? चारों क्वेश्चन में एक ही सिमिलरिटी है, चारों प्रश्नवाचक हैं। पहली बात, यहाँ पर रूल जो किए थे, कुछ के कुछ नहीं आएंगे। जो अब तक हमने रूल की बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है और यहाँ से मोस्ट प्रॉब्लम ब्लैंक स्पेस भी बनता है, तो थोड़ा सा ढंग से समझने की जरूरत है हमें। ये प्रश्नवाचक है, आपने जो है अफर्मेटिव के बता लिए थे, वो रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे, लेकिन कुछ रूल यहाँ पर जो है चेंज होंगे। कुछ रूल अप्लाई होंगे जो पहले वाले हैं, तो चेंज होंगे। ही सेड टू बी, डू यू रिलाई ऑन वुडू नाउ? बहुत अच्छे से हैंडल करना है, मैथमेटिकल अप्रोच के साथ आना है। आज कंजक्शन का रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, और एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट यहाँ पर चेंज होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही सेट टू बी क्वेश्चन वाचक है, चेंज हो गया, हमने कल किया था अफर्मेटिव, आज आवर क्वेश्चन इज इंट्रोगेटिव। यहाँ पर तीन रूल चेंज हो गए, आज तीन शानदार पॉइंट चेंज होगी। इस पर क्वेश्चन लगभग लगभग आता ही आता है। दो को टेक्निकल तरीके से नाउ है, हेयर है तो देयर है, तो प्रीवियस लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट है, मतलब पकड़ते ही वहां पर जाना है। फिर एक शानदार रूल, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, अभी सभी का रिपीटेशन ले लेते हैं वर्बली। अब आपके सामने आते हैं चार क्वेश्चन, आप उसको कैसे चेंज करेंगे देखते हैं। चार में लिखा हुआ एग्जाम्पल, कोशिश करना बनाने की, यदि आप एग्जाम हॉल में हैं तो कैसे बनाएंगे। आई होप डेट सर्टेन अभी गलत करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास स्टैंडर्ड रूल नहीं है। बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, अंदर वाला रिपोर्टिंग स्पीच। आई गो टू टेम्पल डेली, आप बहुत आसानी से इसका बना देंगे, बनाने की कोशिश करिए। आई गो टू टेम्पल डेली विथ हिम, मैं उसके साथ रोजाना मंदिर जाता हूँ, या ये कोई मना नहीं करता। बाहर वाला रिपोर्टिंग वर्ब, एक बार रिपीटेशन। अंदर वाला रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर प्रोनाउन को पकड़ना है। आ गया V5, आ गया कॉल्स विथ हिज टूल्स, एक बुरा आदमी हमेशा अपने औजारों के साथ लड़ना है। आपको बता रखा है, यदि V1 और V5 आए तो कहाँ जाना है, जाइए कहाँ जाना है। एक बुरा आदमी अपने टूल्स यानी अपने उपकरणों से या अपनी किताबों से लड़ता है कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कॉल्स वर्ब की पांचवी फॉर्म है, आप इसको कहाँ ले जाना चाहते हैं, इस लेवल पर ले जा सकते हैं। आपको छूट है 2-4 मिनट, फिर नहीं मिलेगी। रिजॉल्वर की पांचवी फॉर्म, आप इसको बिल्कुल ऊपर भेजने की योग्यता रखते हैं फिलहाल तो, लेकिन ग्रामर कहाँ आके परेशान करेगी देख लेते हैं एक बार। क्यों परेशान करेगी देख लेते हैं एक बार। शुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर जो है पानी में घुल जाती है। V5 है, आप बड़े आराम से इसको V2 में चेंज कर सकते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। दिशाओं के नाम से पहले द आएगा, सन से पहले द आएगा, थोड़ा सा मेंशन कर लेना। ईस्ट आपका नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से पहले द आएगा, सन से पहले द आएगा, ये आर्टिकल का पॉइंट आ रहा है तो डिस्कस करने में बुराई नहीं है। चार सेंटेंस देखिए आपके सामने। शी सेड टू मी, आई गो टू टेम्पल डेली विथ हिम, मैं रोजाना उसके साथ मंदिर जाता हूँ। ही सेड टू मी, ए बैडमैन कॉल्स विथ हिज टूल, एक बुरा आदमी हमेशा अपने औजारों से अपनी किताबों से या सिस्टम में कमी निकालता है। शी सेड टू मी, शुगर डिजोल्व इन वाटर, शुगर जो है पानी में घुल जाती है। वर्ब की पांचवी फॉर्म, कॉल्स वर्ब की पांचवी फॉर्म, गो वर्ब की V1, इवेंट में तैयार होने को बैठी है।
कॉल्स कोड में बदलने के लिए बैठी है तैयार, डिसॉल्व है, डिसॉल्व होने को तैयार है। ही सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइज वर्ब की सेकंड फॉर्म रोज है, आपको बता देता हूँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म रोज है। यदि आप इसको इनडायरेक्ट बदलना हो तो आप इसे बड़े आराम से रोज में चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है आपका, आपने कहा शी टोल्ड मी, कंजक्शन आया दैट, क्योंकि नेगेटिव तो है नहीं, सॉरी इंट्रोगेटिव तो है नहीं। आई गया शी के पास, शी हो गया, शी वेंट टू टेम्पल डेली विथ हिम, हिम को चेंज होना नहीं है। ही सेड टू बी, कंजक्शन दैट, ए बैडमैन कॉल्ड विथ हिज टूल्स। तीसरा आपने लिखा शी टोल्ड मी दैट शुगर डिजॉल्व विथ वाटर। चौथा आपने लिखा ही टोल्ड अस दैट सन रोज इन द ईस्ट, सूरज पश्चिम में उगता है। आपने डायरेक्ट बना दिए, चारों बना दिए, यही बनाए, यही बना जो मैं बोल रहा हूं, चारों इनडायरेक्ट जो मैंने बोले अभी तक, जो मैंने आंसर दिए वो चारों इनडायरेक्ट मैंने गलत बोले। क्यों गलत बोले? क्योंकि ग्रामर फिर एक बार यहाँ पर अपना रूप दिखाने के लिए तैयार बैठी है, इसी का नाम ग्रामर है। क्यों ग्रामर गलत बोले मैंने, क्यों गलत आंसर आया, क्यों? क्योंकि कोई तो लॉजिक है यहाँ पर, नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं थी। शी टोल्ड मी, कंजक्शन आया दैट, कंजक्शन आया दैट, कहानी वही चल रही है लेकिन टर्निंग पॉइंट के साथ, कुछ नहीं इसके साथ। आई को वही जाना है शी के पास, जब तक भेज रहे थे आप, शी चला गया। गो कहता है मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, आज मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, चाहे तुम सर से अड़ी तक का जोड़ लगा लो, मेरे को ऊपर नहीं जाना। नहीं जाना तो मत जा भाई, तेरी मर्जी है, तेरी बात मानेंगे। हिम को कहीं जाना नहीं है क्योंकि हिम आपके लिए जगह नहीं है। तो पहले का आंसर आपने दिया शी टोल्ड मी, कंजक्शन आया दैट, गो ऊपर क्यों नहीं जाएगा, ये सबसे बड़ी कहानी है यहाँ पर। और तो वही है जो हमने अब तक किया, और तो क्या खास बात है, जो हमने अब तक किया वही कहानी चल रही है। लेकिन गो ने कहा कि मेरी जिद है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मत जा, फिर गो कहीं जाना नहीं है, और सेंटेंस में कोई मतलब नहीं यहाँ पर, संभव नहीं है, ठीक है। दूसरे को लिख लो, ही टोल्ड, वही आएगा टोल्ड मी, दैट कंजक्शन आएगा क्योंकि अफर्मेटिव वाक्य है। ए बैडमैन, बैडमैन आपका सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर इस कॉल ने भी जिद पकड़ रखी है, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे यही रहने दो, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। ऊपर जाओगे तो आपका करियर नीचे आ जाएगा, यदि मुझे ऊपर भेज दिया गलती से तो करियर नीचे आएगा, इसलिए आपके करियर को भी ऊपर ले जाना है तो मुझे ऊपर मत भेजो, मुझे नीचे ही रहने दो। कोर्स वर्ग की पांचवी फॉर्म थी, पांचवी फॉर्म आ गई, कोई छेद नहीं किया, क्यों नहीं किया अभी बात करते हैं। दो क्वेश्चन अभी रिपीट होते हैं। He said to be a badman calls with his tool, और इनमें से कोई एक क्वेश्चन that certain exam उठा जाता है, क्योंकि कंफ्यूजन होने की संभावना सबको रहती है। लोग एक जनरल थ्योरी लगाते हैं, जनरल थ्योरी एग्जाम में नहीं लगती, चाहे आपके पेपर का नाम कोई सा भी हो। सेट टू बदला टोल में दैट शुगर पानी में घुल जाती है, चीनी पानी में घुल जाती है। डिजोल्व कहता है मैं वर्क की पांचवी फॉर्म हूँ, लेकिन आप मुझे ऊपर नहीं भेजेंगे आज, जैसा हूं वैसा लिखो, यदि क्वेश्चन बचाना है तो जैसा हूं वैसा लिखो, और क्वेश्चन को खराब करना है तो डिसॉल्व को बड़े चाव से डिसॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा। शी टोल्ड मी दैट शुगर डिसॉल्व इन वाटर, ही टोल्ड मी ए बैडमैन कॉल्स विद हिज टूल। देखो यहां पर वर्ब यानी रूप चेंज नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है अभी बातचीत करते हैं। क्वेरी का आपने सेगमेंट बनाया, क्वेरी जैसे ही सेटिस्फाई होगी बड़ा अच्छा लगता है कि क्वेरी थी क्या, ये क्वेश्चन था क्या। ही टोल्ड मी दैट ए बैडमैन कॉल्स विद हिज टूल, शी सेड टू मी शुगर डिसॉल्व इन वाटर, और आखिरी का आपने कहा कि रोज करने में क्या बुराई है। आपने ये तो सिखाया, आप जो सिखा रहे हो उसी का जो है रिवर्स कर रहे हो, करना पड़ेगा, इसी का नाम ग्रामर है। अपवाद जिसको कहते हैं, एक्सेप्शन किसको कहते हैं, कि साहब ऐसे भी हो सकता है वैसे भी हो सकता है, हर जगह लॉ में भी दुनिया भर के एक्सेप्शन है, रूल बनाता है फिर उसी को कंट्राडिक्ट कर देता है, कि साहब माइनर से आप कुछ भी नहीं ले सकते, लेकिन 65 फिर कह देता है ले सकते हो नेसेसिटी पूरी करने के लिए, इधर कहता है माइनर है कुछ नहीं ले सकते हो, तो यार नेसेसिटी चलो ले लो। तो यहाँ पर रोज नहीं करोगे आप, यहाँ पर आप जिसे कहते हैं सन राइजेज एजेज लिखोगे, क्यों लिखोगे? ग्रामर ने एक शानदार रुख इख्तियार किया, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और मिल गए, दिशाओं के नाम के साथ दया आएगा, सन से पहले दया आएगा, इसे न्यूज से पहले दया लगा देना है आपको। चार आपने क्वेश्चन लिखे, चार के रूप चेंज किया आपने, सब कुछ चेंज किया, रिपोर्टिंग वर्क चेंज की,
आपने कंजक्शन चेंज किया, आपने जो है रूम चेंज नहीं किया, फिर एक कहानी पैदा होती है कि रूम चेंज नहीं होता, वही के वही रहते हो आप। एक कहानी आपने कल पैदा की थी, परसों पैदा की थी, यदि बाहर से टू है और सेस टू है, बाहर सेस और सेस टू है, तो आपने कहा था टेंस नहीं बदलेगा, आपने कहा था टेंस नहीं बदलेगा, आपने पहला पॉइंट दिया था टेंस नहीं बदलेगा, अंदर की कहानी नहीं बदलेगी, वो बोला अंदर की कहानी, अंदर की कहानी बस्ट पर भी कहानी आएगी जब बस्ट का बस्ती रहेगा। आपने कहा थी बाहर से टू और सेस टू है तो अंदर का टेंस नहीं बदलेगा, अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। ये चार कहानियां कहती है कि आज फिर आपके पास पांच कंडीशन आ रही है जिनमें आप अंदर का टेंस नहीं बदलेंगे। लिख लिया, इरेज कर दूं? तो अब पांच कहानियां फिर आ रही, जिन पांच कहानियों को आप कितनी बार पढ़ चुके लेकिन आज दूसरे गांव में है, पहले दूसरे गांव में थे, आज दूसरे गांव में है, पांच कहानियां दूसरी जगह जा रही है, उनमें भी रूल क्वेश्चन बनाएगा, इधर भी रूल क्वेश्चन बनाएगा। यदि आपके इनडायरेक्ट में अंदर कहीं पर भी, अंदर इनडायरेक्ट में कहीं भी एचपी का सम आ जाए, जो आपने कहा था रूम नंबर फर्स्ट में कवर होगा, रूम नंबर फर्स्ट में ही आ रहा है, आपका हैबिचुअल एक्ट आ जाए, आपका हैबिचुअल एक्ट कोई आदतन कार्य आ जाए, आपकी कोई प्रोवर्ब आ जाए, कहावत आ जाए, मुहावरा आ जाए, डिक्टम आ जाए, एज आ जाए, लोकोक्ति आ जाए, साइंटिफिक ट्रूथ आ जाए, साइंटिफिक कोई ट्रूथ आ जाए, कोई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, सार्वभौमिक सत्य जैसे का सूरज पश्चिम में उगता है, ये पांच कंडीशन आ जाए, कोई मैथमेटिकल फैक्ट आ जाए, दो दो चार होते हैं, सूरज पूरब से उगता है, चीड़ी पानी में घुल जाती है, पेपर आग से जल जाता है, प्रोवर्ब जो अभी हमने कहावत की, ए बैड मैन कॉल्स विथ हिज टूल, यानी नाश न जाने आंगन टेढ़ा, जो अभी अभी आपने कहावत की उसका टेंस नहीं बदला, हैबिचुअल एक्ट जो आपने कहा मैं प्रतिदिन बदल जाता हूँ, आपने उसमें डेली लगा दिया, डेली लगाकर आपने ग्रामर को यूटर्न दिया, ग्रामर लगाकर एक एक्सेप्शनल रूल क्रिएट कर दिया, यदि आप उसमें डेली नहीं लगाते तो उसका टेंस बदल जाता, गो का बड़े आराम से गो वेंट हो जाता, गोज का बड़े आराम से वेंट हो जाता, यही क्वेश्चन पकड़ने का तरीका है, जल्दबाजी या हड़बड़ी में या लैक ऑफ नॉलेज के कारण क्वेश्चन हमेशा गलत होता है, आइदर वो क्वेश्चन लो का हो और इंग्लिश का हो और आपके हिंदी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि आपके फंडामेंटल स्ट्रोंग है पहली शर्त और आपने उस फंडामेंटल पे कितनी प्रैक्टिस की है ये दूसरी शर्त, यदि दो शर्तें आपने पूरी कर ली तो ये आप पेपर के एलिजिबल है, यदि आपने सिलेबस बहुत अच्छे से कर लिया और उसके रिगार्ड में आपने प्रैक्टिस नहीं की, कोई मतलब नहीं है सिलेबस करने का, मतलब ही मैं तो महत्वपूर्ण मानता हूँ। हैबिचुअल एक्ट आदतन कार्य, प्रोवर्ब, साइंटिफिक ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट, ये पांच पॉइंट आपको 10 क्वेश्चन दे गए, ये पांच पॉइंट डायरेक्टली आपको 10 क्वेश्चन दे गए। एक तो इन्होंने कहा हम रूम नंबर फर्स्ट में रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, और दूसरा कहता है जब हमारा इनडायरेक्ट होगा तो भी हम फर्स्ट रूम में ही रहेंगे, हमारी दादागिरी है, जब हमारा इनडायरेक्ट बनेगा तो भी रूम नंबर फर्स्ट, यानी किसी भी हाल में हम रूम नंबर फर्स्ट को नहीं छोड़ेंगे, ये आपसे उम्मीद कर रहा है ये पांच पॉइंट, यानी कुल मिलाकर ये पांच पॉइंट आपके रूम नंबर फर्स्ट को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि आदतन कार्य रूम नंबर फर्स्ट को छोड़ के नहीं जाएगा, आप उसका इनडायरेक्ट बनाओ या ना बनाओ इससे इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हैबिचुअल एक्ट प्रॉब्लम, आपका साइंटिफिक ट्रूथ, आपका यूनिवर्सल ट्रूथ रूम नंबर फर्स्ट में थे, रूम नंबर फर्स्ट में ही रहेंगे, चाहे आप उनका इनडायरेक्ट बनाओ या ना बनाओ इससे आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? 10 क्वेश्चन क्लियर। हैबिचुअल एक्ट आपने पढ़ लिया तो दूसरा आपका जो रूल बना कि टेंस कब नहीं बनेगा, हरि प्रसाद का सब यदि इनडायरेक्ट बनाने को कह रहा है, हैबिचुअल एक्ट प्रॉपर साइंटिफिक यूनिवर्सल रूल मैथमेटिकल, यदि आपको कह रहा है कि भाई साहब इसका इनडायरेक्ट बनाओ तो टेंस नहीं बदलेगा, रूम नंबर फर्स्ट में ही था, रूम नंबर फर्स्ट में ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट था से और सेस टू है तो आपके टेंस नहीं बदलेगा, दूसरा है आपका वो है तो आपका टेंस नहीं बदलेगा, जो था वही रहेगा, चाहे आप जो है यदि आप उसका V5 दे रखा है, आप बोले साहब हम तो इसका बदलेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा,
फिर कहानी आती है और शानदार मोड़ भी गुजर रही है, आपके डायरेक्ट की कहानियां गुजर रही है, हैबिचुअल है, हरी प्रसाद का सम आ जाए तो आपका टेंस नहीं बदलेगा। अब आइए फिर कहानी एक शानदार मोड़ ले रही है, क्या मोड़ ले रही है देखिए, इनडायरेक्ट बनाने की कोशिश करना कैसे बनेगा, कौन सा टेंस आएगा या नहीं बदलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए आप, एसपी एसपी सेड टू एसएचओ, एसपी सेड टू एसएचओ क्या कहा, किसने कहा, शूट एट द ब्रिगेड्स, डाकुओं पर गोली चला दो, ऐसा उसने कहा, ब्रिगेड्स का मतलब डाकू, उसने कहा कि साहब गोली चला दो, एसपी सेड टू एसएचओ डाकुओं पर गोली चला दो। दूसरा कहा, दूसरा किसी ने किसी से क्या कहा, डॉक्टर सेड टू हिम, उससे कहा या पेशेंट से कहा या किसी भी कहा, राम से सीता से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पर क्या कहा, द डॉक्टर सेड टू हिम टेक मेडिसिन रेगुलरली, नियमित दवाइयां लिया करो नहीं आपकी बीपी डायबिटीज और बढ़ जाएगी, ऐसा उसने कहा, डॉक्टर ने इससे कहा। तीसरा कहा कंडक्टर ने, द कंडक्टर सेड टू, सेड टू क्या बोलेंगे, कंप्यूटर्स होते हैं कि शहर में यात्रा करने वाले लोग, कंप्यूटर्स, उन्होंने कंप्यूटर से कहा, क्या कहा, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब पत्रों से सावधान रहना कि आपकी जेब पर जाए, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स कहते हैं जेब पत्रे, बीवेयर के साथ प्रपोजिशन ऑफ आएगा, जैसे गेट के बाहर निकाल लेता है कि कुत्तों से सावधान, अवेयर के साथ भी ऑफ आएगा, बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब पत्रों से सावधान रहना, ऐसा कंडक्टर ने कंप्यूटर से कहा, और ही सेड, देखिए इसमें क्या एक विशेष बात आ रही है, एक फॉर्मूले में छह पॉइंट खत्म, ही सेड टू हिम काइंडली या प्लीज भी लगा सकता है, काइंडली और प्लीज दोनों लिख दो, वहां पर उपचू हो जाओगे आप क्योंकि समय कम है, काइंडली और प्लीज लैंड मी मनी, मुझे पैसा उधार दो ना प्लीज, ऐसा उसने कहा, काइंडली लैंड मी मनी। और एक एग्जाम्पल और, जो एग्जाम में निश्चित रूप से घूमता है, वो दो तरीके से घुमाता है, वो क्या, वो क्लोज टेस्ट में भी ले जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में भी ले जाएगा, उसकी मर्जी है। द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, द प्रिंसिपल जरूर घूमेगा और इसमें गलती होने की संभावना भी अच्छी रहती है, द प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट्स, क्या कहा उसने स्टूडेंट से, डू नॉट मेक ए नॉइज, उसने कहा कि यार शोरगुल मत मचाओ, उसने स्टूडेंट से कहा कि शोरगुल मत मचाओ। अब इन पांचों चीजों में आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि सर टेंस कौन सा हो, क्या करे, क्या रूल करे, ये उसको नजर आ रहा है, एक बार लिख लो, एस पी सेट टू एस एच ओ शूट एट द ब्रिगेड, डाकू पर गोली चला दो, एस पी जो बड़ी पोस्ट है, एस एच ओ छोटी पोस्ट है, अब ये जो एस पी है यहाँ पर क्या करेगा, इसको ऑर्डर करेगा या कमांड करेगा, कुछ भी दे देगा वो, यहाँ पर सेट टू बदलेगा अकॉर्डिंग, जो आपका भाव है उसके अकॉर्डिंग बदलेगा, ऑर्डर भी कर सकता है और कमांडेड भी कर सकता है, ऑर्डर काय के लिए, कुछ नहीं करना है, फिर आपका जिसे कहते हैं आपका वो चेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं, कंजक्शन चेंज हो रहा है, दैट गया, इफ और वेदर गया, डब्ल्यू एच क्वेश्चन गया, चार कंजक्शन तो गए अपने अपने घर पे, यहाँ पर फिर एक शानदार कंजक्शन आएगा टू, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, प्रोनाउन वगैरह यहाँ पर कुछ है नहीं है तो ना सही, प्रोनाउन वगैरह यहाँ पर है नहीं और कुछ चेंज है नहीं, हाँ यहाँ पर होता टू शूट एट हिम तो बदलता नहीं, टू शूट एट कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा वो जनरली देता नहीं है, उसकी कहानी में दो ही कहानी घुमाना चाहता है, एक ऑर्डर और एक टू से, बाकी कोई विशेष वो अंदर प्रोनाउन चेंज करवाएगा
ऐसा कुछ उसका टारगेट रहता नहीं है। द डॉक्टर सेड टू हिम, अब डॉक्टर उससे क्या रिक्वेस्ट करेगा या उसको एडवाइस देगा, डॉक्टर को क्या जरूरत है रिक्वेस्ट करने की, डॉक्टर इस आदमी को एडवाइस देगा, डॉक्टर इस आदमी को एडवाइस देगा, सी वाली, क्योंकि सी वाली एस वाली, सॉरी एस वाली वर्ब होती है, सी वाली नहीं आएगा। द डॉक्टर एडवाइस हिम, क्या एडवाइस देगा भैया, लेगा टेक मेडिसिन रेगुलरली, टेक मेडिसिन रेगुलरली। एक डॉक्टर अपने पेशेंट को एडवाइस देगा, उसके अलावा ऑर्डर तो देगा नहीं, उसकी मर्जी है, तेरी मर्जी हो तो ले, तेरी मर्जी हो तो नहीं ले, और एक ही आएगा, आप सोचे चारों पांचों छो दे देगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी भाव लेगा वो एक लेगा। अब कंडक्टर कंप्यूटर्स को, राह जो जो आपके एक ही क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोग कंप्यूटर्स हैं, उनको क्या करेगा, उनको वो वार्न करेगा कि भाई साहब चेतावनी होती है, उसकी मर्जी हो तो माने। द कंडक्टर वार्न, वार्न यानी चेतावनी दी, कंप्यूटर्स क्या कहा उनको, कंप्यूटर्स को कि भाई साहब लोगों, बहन जी भाई साहब जो भी है, टू बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बाकी सब कुछ ऐसा का ऐसा कोई चेंज नहीं करना है, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, बी वेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। ही सेड टू हिम, ही क्या कर रहा है, काइंडली और प्लीज, साफ साफ कह रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है, काइंडली और प्लीज जैसे शब्द यहां हट जाएंगे, क्योंकि आप इधर रिक्वेस्टेड कर रहे हो तो दो वर्ड एक साथ रहेंगे नहीं, इसको सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन कहते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिम, उसने उससे रिक्वेस्ट की, काइंडली और प्लीज जैसे शब्द हट जाएंगे, बाकी कहानी वही की वही। टू लैंड, प्रोनाउन बी है, वही के पास जाएगा और हिम हो जाएगा, हिम मनी, कृपया उसे पैसा दे दो, कृपया जैसे शब्द हटा जाएंगे, कृपया जैसे शब्द हटा जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपका, आपने पहले रिक्वेस्ट वर्ड डालकर काइंडली और प्लीज को हटने पे मजबूर कर दिया, एक अच्छा पॉइंट। अभी सारे पॉइंट के फॉर्मूले में लपेट देते हैं। यहां पर देखिए प्रिंसिपल कह रहा है, प्रिंसिपल मना कर रहा है, यहां पर वो मना ही कर रहा है, प्रोहिबिट कर रहा है। द प्रिंसिपल, एक अच्छी रिपोर्टिंग वर्ब फॉरबेड, मैंने कहा था नहीं आएगी, फॉरबेड, फॉरबेड, फॉरबेड की सेकेंड फॉर्म है, फॉरबेड इज द फर्स्ट फॉर्म, फॉरबेड इज द सेकेंड फॉर्म, एंड थर्ड फॉर्म इज फॉरबिडन। इसकी थोड़ी सी वी वन अलग है, वी टू अलग है, वी थ्री अलग है। प्रिंसिपल फॉरबेड किसको फॉरबेड कर रहा है, स्टूडेंट्स को, द स्टूडेंट्स। अब यहां पर नोट नहीं आएगा क्योंकि फॉरबेड में नोट शामिल है, इसलिए डू नोट नहीं आएगा, सीधा टू लगाओ। यहाँ पर लोग नोट वाला ऑप्शन चुनेंगे, इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, यहाँ पर जो एस्पिरेंट हैं वो नोट वाला ऑप्शन चुनेंगे, बोले नोट तो लाए ही नहीं, नोट कहाँ से आएगा, फॉरबिड लगा दिया ना, फॉरबिड के साथ, डिनाय के साथ, अंटिल के साथ, अनलेस के साथ नोट नहीं आएगा, क्योंकि जो वर्ड मैंने बोले वो खुद ही नकारात्मक है, जो वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किए वो खुद ही नकारात्मक है, खुद ही निगेटिव है। तो फिर एक विशेष प्रकार का इनडायरेक्ट आपसे मिलने आया, उसने कहा कि आपका वाक्य छोटा होगा, इसमें टेंस वगैरह का यूज नहीं होगा, जो भाव है, आदेश है, एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, कमांड है, वार्निंग है, प्रोहिबिशन है, ये छह यदि आपको भाव नजर आए उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी रिपोर्टिंग वर्क को उठाएंगे। एसपी एसएसओ से बोलेगा तो ऑर्डर करेगा, और एसएचओ एसपी से करेगा तो रिक्वेस्ट करेगा। डॉक्टर अपने मरीज को कह रहा है तो एडवाइस करेगा, और मरीज अपने डॉक्टर को कुछ कह रहा है तो रिक्वेस्ट करेगा, उसे कमांड नहीं दे सकता। कंडक्टर का कंप्यूटर से ना तो एडवाइस है ना ऑर्डर है, वहां नहीं करेगा, भैया अपने अपने सामान को देख लो, चोरी हो गया तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। द कंडक्टर वांट कंप्यूटर्स टू बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, आए हुए क्वेश्चन हैं, फिर आने की अच्छी अच्छी संभावना। काइंडली और प्लीज आती सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट आएगी, काइंडली ये आपके पैसे में भी टकराएगा, यदि काइंडली और प्लीज आ जाए तो वहां पर एक लाइन की पैसे भी बनती, यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी काइंडली और प्लीज हटा जाएगा। यदि इसकी वो पैसे भी बनाने के लिए क्या था, एक अलग वे में देगा, वो वहां पर कुछ नहीं देगा, ये सेट टू नहीं होगा, काइंडली और प्लीज लैंड भी बनी होगा, इतना सा सेंटेंस होगा,
वो बोले इसकी पैसिव बनाओ, कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली और प्लीज शब्द वहां भी हटेंगे, यहाँ भी हटेंगे, क्योंकि यदि आप ये लिखते हो कि रिक्वेस्टेड हिम टू काइंडली प्लीज और लैंड हिम मनी, तो आपका सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन पैदा हो जाएगा। काइंडली और प्लीज जैसे शब्द नहीं आएंगे क्योंकि रिक्वेस्टेड में वो आपने शामिल कर लिया। और प्रिंसिपल सेड टू द स्टूडेंट, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा कि भैया शोरगुल मत मचाना, वहां पर फॉरबेड करेगा, प्रोहिबिट करेगा, मनाई करेगा, उनको मना करेगा। जब आप मनाई वर्ड बोल रहे हो, जब आप मना करने वाला शब्द बोल ही रहे हो, तो वहां पर फॉरबेड आएगा, और फॉरबेड के तहत जब मेरे को बुला लिया तो आगे सेंटेंस में नोट को आपको हटाना पड़ेगा, कोई टेंस यूज नहीं करना है, कंजक्शन टू आएगा, टू आएगा, और रिपोर्टिंग वर्ब आपके भाव के अनुसार आएगी कि आपका आदेश है या आपकी इच्छा है, अब एडवाइस है, आदेश है, वार्निंग है, रिक्वेस्ट है, मनाही है, उसके भाव के अनुसार दो चेंज हो गए, बड़े तीसरा कोई चेंज नहीं है। कौन से वाक्यों में? जिन वाक्यों में आपको छह तरह के भाव मिलेंगे, अभी फॉर्मूला डाल देता हूं मैं, जिन वाक्यों में आपको छह तरह के भाव मिलेंगे उनमें आपको दो पॉइंट पर इनडायरेक्ट बनाना है, दो पॉइंट पर इनडायरेक्ट बनाना है, टू स्टेप इनडायरेक्ट है। जिनमें आपको छह भाव मिलेंगे, पहला है आपका रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार बदल जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार बदल जाएगी और कंजक्शन टू आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार बदल जाएगी और कंजक्शन टू आएगा। इस सारी राम कहानी का संक्षेप, ब्रीफ, इन नटशेल, छह फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दो एक फॉर्मूले में, यहाँ पर छह कंडीशन आपकी खत्म। इतना ज्यादा राम कहानी याद नहीं रखनी है, मैथमेटिकल वे में यदि ये छह पॉइंट आ जाए, मैथमेटिकल वे में छह पॉइंट आ जाए, कौन से छह पॉइंट, कौन से छह पॉइंट, रोका, आर ओ सी ए कर दो, कैसे रोका, अभी रोक देते हैं, आर फोर रिक्वेस्ट आ जाए जिसमें काइंडली या प्लीज जैसा शब्द दे रखा होगा पहचान के लिए, या तो वाक्य की शुरुआत प्लीज से होगी या काइंडली से होगी। यदि वाक्य में ऑर्डर आ जाए, यदि वाक्य में ऑर्डर आ जाए, एस पी ने एस एच ओ से कहा, प्रिंसिपल ने स्टूडेंट से कहा, सर ने अपने स्टूडेंट से कहा, कोई भी आपका ऑर्डर आ जाए। सी फोर, इसी से मिलता जुलता वर्ड कमांड, जैसे आर्मी ऑफिसर ने अपने सैनिकों से कहा, मार्च टू आर द एनिमीज, यू कैन से शूट एट द एनिमीज, बम्बार्ड एट द समथिंग समथिंग। आपकी एडवाइस आ जाए, आपकी एडवाइस आ जाए, राय आ जाए, नियमित दौड़ा करो, नियमित भागा करो, नियमित वॉक किया करो, एडवाइस है, ऐसा भाव आ जाए, रिपोर्टिंग वर्ब इसके अनुसार बदल जाएगी। वार्निंग है, आग से मत खेलो, आग के पास मत जाओ, धूप में मत निकलो, बहुत ज्यादा लू है, डोंट स्टेप आउट इन सियरिंग सन, कुछ नहीं करना है, वार्निंग देनी है और वाक्य को परिवर्तित करना है। यदि वाक्य में मनाही आ जाए, शोरगुल मत मचाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, नोट वाला सेंटेंस आ जाए, तो क्या करना है, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट में जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब आएगी फॉरबेड आएगी, ये थोड़ा सा मेंशन कर लेना। ठंडा पानी मत पियो, गर्म पानी मत पियो, सर्दी में मत, वो कूलर में आए हो अभी ठंडा पानी मत पियो, दुनिया भर का प्रोहिबिट होता है हमारे घर पर। यदि हमारे वाक्य में रिक्वेस्ट आ जाए, ऑर्डर आ जाए, कमांड आ जाए, एडवाइस आ जाए, वान आ जाए, प्रोहिबिट आ जाए, फॉरवर्ड आ जाए, छह पॉइंट को एक में लपेट दिया, उधर पांच को लपेटा था, मैथमेटिकल आपकी इंग्लिश चल रही है, टोटल मैथ्स में कन्वर्ट हो रही है आपकी इंग्लिश। हरी प्रसाद का सम आ जाए तो अपना रूप नहीं छोड़ेगा, हरी प्रसाद का सम आ जाए तो आपका रूप नहीं छोड़ेगा, और यदि रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वॉर्न और प्रोहिबिट आ जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार बदल जाएगी और कंजक्शन टू आएगा। लिसन माई वर्ड्स अगेन, यदि वाक्य में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वांट, प्रोहिबिट का भाव हो, भाव के अनुसार आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी और कुछ नहीं करना है, कंजक्शन टू आएगा और ज्यादा फेरा फारी वो करवाता नहीं है, और कोई कॉम्प्लिकेशन वहां पैदा करता नहीं है। रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन है, प्लीज और काइंडली से पता चलेगा, ऑर्डर वाक्य का भाव बता देगा, कमांड वाक्य बता देगा, ज्यादा आर्मी ऑफिसर या मेजर सेड टू हिज सोल्जर्स, कोमा, मार्च टुवर्ड्स एनिमीज, दुश्मनों की तरफ कूच करो, दुश्मनों की तरह मूव करो, कमांड है। जितने भी है, एसपी ने एसएचओजी का ऑर्डर है, प्रिंसिपल ने उसे का ऑर्डर भी हो सकता है, नोट है तो प्रोहिबिट होगा, एडवाइस राय देगा डॉक्टर अपने पेशेंट को, वकील अपने वकील को एडवाइस करेगा,
यार तुम ऐसे करना वैसे करना, डॉक्टर वाला ही आता है, वार्ड चेतावनी है, माँ अपने बच्चों को बोली आग से मत खेलो, ठंड में मत जाओ, बाहर मत निकलो, प्रोहिबिट मनाई है। क्लियर? अब इसको याद रखने का तरीका, रोका वेडिंग से पहले, वेडिंग से पहले रोका होता है ना, अपने रोका कर लिया वेडिंग से पहले, रोकने का जो सिस्टम होता है, रोका वेडिंग से पहले से, या रोका वेडिंग से पहले यदि ये भाव आए तो आपको रिकॉर्डिंग, आपको रिपोर्टिंग वर्ब उस अनुसार के अनुसार बदलनी है। आपके 6 क्वेश्चन तैयार हो गए इनडायरेक्ट रोका वेडिंग से पहले। शादी से पहले रोका होता है, रोकने का सिस्टम होता है अपने हिंदू समाज में, तो वही समाज को यूज कर लीजिए आप। आपको आपको आज का तीसरा फॉर्मूला याद करना है, रोका इससे वेडिंग से पहले। इसके अकॉर्डिंग यदि ये वाक्य में है तो रिपोर्टिंग वर्ब इनके अनुसार बदल जाएगी, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला, रिपोर्टिंग वर्ब इनके अनुसार बदल जाएगी और कंजक्शन टू आएगा, एक शॉर्ट फॉर्म। रिपोर्टिंग वर्ब आपकी इनके अनुसार बदल जाएगी और आपका जिसे कहते हैं कंजक्शन टू आएगा, और आपने जो पहले पढ़ा, यदि आपके डायरेक्ट में हरि प्रसाद के सबको बदलने की बात करें अगला, तो अपना रूप नहीं छोड़ेगा, अपना रूप नहीं छोड़ेगा, फर्स्ट में था, फर्स्ट में रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा। शानदार, खतरनाक, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिनको पढ़ने में लोगों को जोर आता है, बहुत इजी वे में कन्वर्ट हो रहा है। शादी से पहले रोका आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब उसके अनुसार बदल जाएगी, रिपोर्टिंग वर्ब उसके अनुसार बदल जाएगी, और जो है प्रपजी, सॉरी कंजक्शन टू आएगा। रोका समझ में आ गया, हरिप्रसाद का सब समझ में आ गया। अब दो इनडायरेक्ट ऐसे आ रहे हैं जिनमें आपका कंजक्शन यूज ही नहीं करना है। लगातार एक मैथमेटिकल अप्रोच, पॉइंट्स पर क्रिएट कर लेना, पॉइंट पर चलेगी सारी कहानी। दो इनडायरेक्ट ऐसे आ रहे हैं जिनमें आपका कोई रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी कोई कंजक्शन नहीं आएगा। एक क्वेश्चन आते हैं, यदि आप जैसे मेरे से आप मिलते हैं तो आप बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग, अभिवादन करते हैं, आप अभिवादन करते हैं किसी से, तो उनके इनडायरेक्ट में क्या तारी है? एक स्टेप इनडायरेक्ट है, सिंगल स्टेप इनडायरेक्ट है, कुछ नहीं करना है। अभिवादन किसी से करते हैं, आपने कहा ही सेड कॉमा लगाया, गुड मॉर्निंग सर, जैसे मिलते ही आप करते हैं, कल से याद रखना इसको डायरेक्ट में कैसे लेके जाएंगे, गुड मॉर्निंग सर, मैम, अंकल, फादर, कुछ भी आपने कहा गुड मॉर्निंग सर, ऐसा आपने कहा, अभिवादन किया, कुछ नहीं करना है। ये लगातार दो ऐसे वो इंडायरेक्ट आ रहे हैं जिसमें आपको कंजक्शन यूज ही नहीं करना है, बस एक स्टेप पैसिव है, दो स्टेप, एक स्टेप इंडायरेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब याद रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब या तो विश्ड वाला आंसर होगा, विश्ड वाला आंसर होगा, या प्रेड वाला आंसर होगा, या तो विश्ड होगा या विश्ड वाला 99% होता है, प्रेड वाला कभी कभी यूज करता है, विश्ड और प्रेड होगा। पहली बात, कंजक्शन नहीं आएगा, ये जरूर लिख लेना, टू वगैरह कुछ नहीं आएगा, इसमें टू वाला भी ऑप्शन दे देता है, लोग उठा देते, कंजक्शन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। और जिसको अभिवादन कर रहे हो, जिसको भी कर रहे हो, सर, मैम, अंकल, टीचर, फलाना ढिमकाना, जो भी है, उसको बाहर निकाल दोगे, बाहर पटक दोगे उसको, ये अकेला रहेगा। अभिवादन किया गया है, जिसको भी आपने ग्रीटिंग की है, अभिवादन किया गया है, जिसको भी, सर को, मैम को, अंकल को, ताऊ जी को, पिताजी को अभिवादन किया गया है, वह बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा, उसको बाहर उठा लेंगे। क्वेश्चन क्वेश्चन है, कैसे भी बन सकता है, यानी आपको 3 पॉइंट फॉलो करने हैं, 3 पॉइंटों को देखना है। ही सेड गुड मॉर्निंग सर, ऐसे ही आता है, ज्यादा घुमाता नहीं है वो, ज्यादा कोई बहुत बड़ी कहानी दे दी, छोटा सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है। रिपोर्टिंग बार विश्ड और प्रेड में बदल जाएगी, पहली बात, कोई कंजक्शन नहीं आएगा, लगातार दो ऐसे इनडायरेक्ट आ रहे हैं जिनमें कंजक्शन नहीं आएगा, ना दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा, ना टू आएगा, ऐसी पैसिव आएगी। 3 पैसिव आपको ऐसे सिखाऊंगा जिसमें बाय सब्जेक्ट नहीं लिखोगे आप, यदि उनमें बाय सब्जेक्ट के ऑप्शन पे टिक करते हो तो यू आर डूइंग रॉन्ग ऑप्शन। ही सेड गुड मॉर्निंग सर, मैम, अंकल, फादर, ताऊ जी, एक्स वाई जेड, कुछ नहीं करना है, वहां सैड है, कुछ भी है, कुछ होगा ही नहीं आगे, तो कुछ मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसने आगे कुछ दे दिया तो ये भाई साहब कहाँ आएंगे, इसलिए इतना ही छोड़ देता है ये। तो ये क्या कहेगा, ही विश्ड सर, मैम है तो मैम, अंकल है तो अंकल, ही विश्ड सर, जिसको अभिवादन किया था वो बाहर आ गया, रिपोर्टिंग बार विश्व में बदल गई, रिपोर्टिंग बार विश्व में बदल गई, और बाकी कुछ कहानी नहीं है, एडजेक्टिव लिख दिए, गुड मॉर्निंग, बस कहानी खत्म।
गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है। जिसको अभिवादन किया गया है उस आदमी को आप बाहर निकाल देंगे, रिपोर्टिंग बार विश डॉट पेड में बदल देंगे और कोई भी कंजक्शन नहीं आएगा। ये आपकी आज की अगली कहानी कहती है कि अभिवादन में क्या करना है, आपको ग्रीटिंग वाले सेंटेंसेस में क्या करना है, जीरो कंजक्शन फर्स्ट बात। रिपोर्टिंग बार विश डॉट पेड में बदल जाएगी दूसरी बात, और जिसको भी अभिवादन किया गया है उसको आप बाहर निकाल लेंगे, सिंपल सी बात। इससे मिलता जुलता एक और कहानी, कुछ नहीं करना है, वो भी कहानी सेम है, उसको भी कंजक्शन से प्रॉब्लम, इसको भी कंजक्शन से प्रॉब्लम। वो क्या कहता है, विदाई आ जाए, किसी में विदाई आ जाए, फेयरवेल देगा, विदाई सूचक शब्द भी क्या करना है, कंजक्शन नहीं आएगा, लेकिन आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो जो है आपकी बेड में बदल जाएगी। ये कहानी अभी बाकी है, उसमें भी यही कह रहा है, यदि कुछ किसी को कहे तो ठीक है, सीधी सी बात है, नहीं कहे तो सीधी सी बात है। शी सेट टू बी, यदि ऐसा कह गया, शी सेट टू बी, कुछ नहीं कहेगा, एक छोटा सा वर्ड होगा गुड बाय, ये कहेगा और कुछ नहीं है। बोले कैसे डायरेक्ट बदले, क्योंकि एग्जाम में देख के, जब किसी चीज को आपने देखा ही नहीं हो तो देख के परेशान हो जाते हैं। He said to be goodbye. तो यहाँ पर सबसे पहली जो गलती होती है वो होती है said to को आपने बदल दिया told में। सबसे फर्स्ट जो मिस्टेक होती है, एरर होती है, वो आज said to बदल गया told में। ऐसी गलती हमें नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। said to told में नहीं बदलेगा, कुछ नहीं करना है। वन स्टेप इनडायरेक्ट है आपका शी बदल, सॉरी रिपोर्टिंग बदलेगा बेड में, बेड भी विदाई होती है, बेड बी, आपने पहले ही कह दिया कंजक्शन यूज नहीं करना है, कंजक्शन यूज नहीं करना है, रिपोर्टिंग वर्ब बेड में आ जाएगी, कंजक्शन यूज आपको करना नहीं है, शी बेड बी गुड बाय। और कोई परिवर्तन यहाँ पर संभव नहीं है, सीधी सी बात है। तो टोटल अभी तक की कहानी में दो इनडायरेक्ट आपके पास ऐसे आए जहां पर आपको कंजक्शन यूज नहीं करना है, कंजक्शन को यूज नहीं करना है, ना टू आया, ना इफ आया, ना वेदर आया, ना दैट आया, WH क्वेश्चन आया। टोटल दो इनडायरेक्ट आपके पास ऐसे घूमे हैं जहां पर आपको कंजक्शन का यूज नहीं करना है। पहला अभिवादन वाला, यानी किसी को ग्रीटिंग कर रहे हो, गुड मॉर्निंग सर, और वही लगा दो गुड बाय, सुबह मिले तो गुड मॉर्निंग विदाउट कंजक्शन, बाद में मिले तो गुड बाय विदाउट कंजक्शन, मैं भी आया तो गुड मॉर्निंग विदाउट कंजक्शन, अब मैं जाऊंगा तो गुड बाय विदाउट कंजक्शन। मतलब कोई भी ज्ञान आपको मैथमेटिक्स अंदाज में क्रिएट करना है, यदि आपको मैथमेटिकल अप्रोच करनी आती है सब्जेक्ट से, कोई रोक ही नहीं सकता है, उड़ा दोगे पेपर को, चाहे वो आपका सब्जेक्टिव पेपर है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पेपर है, चाहे वो रिटर्न, आप अच्छा लिखना कब आएगा, जब ज्ञान पूरा घूमेगा। तो आपको तो अभिवादन किया, मैं आया तो गुड मॉर्निंग विदाउट कंजक्शन, रिपोर्टिंग पेड और विश लेकर आया, मैं गया तो बेड लेकर जाऊंगा और कंजक्शन नहीं होगा। बस सर आए, अभी एमके सर आएंगे तो विश डॉट पेड लेकर आएंगे, ठीक है, कंजक्शन नहीं होगा, और मैं जाऊंगा तो बेड देकर जाऊंगा, कंजक्शन नहीं होगा। बोलो क्लियर आज का टॉपिक, आज की कहानी की समरी जो आपने की, आज की कहानी की समरी आपसे क्या कहती है, यदि वाक्य इंट्रोगेटिव है तो क्या क्या करना है, जल्दी जल्दी बताओ भाई। वाक्य प्रश्नवाचक है तो कॉपी किताब बंद, कॉपी किताब मोबाइल एवरीथिंग इज क्लोज प्लीज। यदि वाक्य आपका प्रश्नवाचक है तो क्या करना है, रिपोर्टिंग मत बदलेगा, आस्क में कंजक्शन आएगा, इफ और वेदर, और इंट्रोगेटिव किसमें बदल जाएगा, अफर्मेटिव में। बाकी कहानी पहले वाली, प्रोनाउन बदलने का रूल वो का वो, और आपके टेंस बदलने का रूल वो का वो। WH क्वेश्चन की कहानी क्या कहती है, रिपोर्टिंग वर्ब आस्क में, कंजक्शन WH, बाकी कहानी पहले वाली, इंट्रोगेटिव किसमें बदल जाएगा, अफर्मेटिव में, जाने दो को। आपको मिल गया डायरेक्ट में, दूसरे गांव में चला गया, हरि प्रसाद का सम क्या कहता है, हरि प्रसाद का सम क्या कहता है, ये आज टेंस में नहीं है, मैं पहले रूप में था, मैं पहले रूप में ही रहूंगा। कॉल्स है तो कॉल्स ही रखोगे आप, क्यों, अपन टेंस ही बदल दे, अपन पार्टी ही बदल दे, अपन ट्रांसपोर्ट नहीं करते कल की तरह। हैबिचुअल एक्ट, प्रोवर्ब, साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल फैक्ट। उधर टेंस में पूछेगा तो वर्ब बनवाएगा, इधर इनडायरेक्ट करेगा तो टेंस बदलवाएगा। क्वेश्चन तैयार, खुद के पेपर सेट खुद पढ़ो, खुद के पेपर सेट खुद करना सीख जाओ। फिर आया आपका
बैटिंग से पहले रोका हुआ, बैटिंग से पहले रोका हुआ, क्या कहती है रोका बैटिंग से पहले? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वॉन्ट, प्रोहिबिट, ये छह भाव यदि आपके वाक्य में हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब भाव के अनुसार बदल जाएगी, और कंजक्शन क्या आएगा? छू आएगा, और अभिवादन और विदाई हो, गुड मॉर्निंग सर, किससे करोगे? विज डोर प्रेड से, और कंजक्शन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, मैं भी जाते समय बोल जाऊंगा बाय या गुड बाय, रिपोर्टिंग वर्ब क्या आएगी? बेड आएगी, और कंजक्शन क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो अभी तक आपने कितनी कंडीशन पढ़ी जिसमें आपने टेंस नहीं बदला? जल्दी, दो ही तो कंडीशन पड़ी है, बाहर दरवाजे के फ्यूचर और प्रेजेंट है, अंदर का टेंस नहीं बदलेगा। और यदि हमारी पांच कंडीशन आ गई, हरी प्रसाद का सम आ गया, तो अंदर की टेंस नहीं बदलेगा, कितने प्रोनाउन है जो फर्स्ट नंबर रूप में जाएंगे? खटाखट आई वी या सावर बी माई, छह प्रोनाउन है फर्स्ट में जाएंगे, जिस रूप में जाएंगे वो रूप लेकर वापस आ जाएंगे। कितने प्रोनाउन है जो सेकंड नंबर में जाएंगे? तीन, यू योर, सेकंड नंबर में जाएंगे, जिस रूप में जाएंगे वो रूप लेकर वापस आ जाएंगे। कितने प्रोनाउन है जो कहीं नहीं जाएंगे? दस प्रोनाउन है जो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। रूप नंबर फर्स्ट कहाँ जाएगा? खटाखट, रूप नंबर फर्स्ट पांच में, सेकंड छह में, तीन सात में, चार आठ में, पांच सात में और छह आठ में। रिपोर्टिंग पर आस कब होगी? जब इंट्रोगेटिव होगा, जब इफ और वेदर कब आएगा? जब इंट्रोगेटिव होगा, और ये आपका जिसे कहते हैं रोका वेडिंग से पहले कब आएगा? जब उसका भाव ऐसा होगा। सर काइंडली थोड़ा समय दे दो ना, रिक्वेस्ट किया आपने, बाहर एक शेर आया है, वार्निंग दी आपने, एडवाइस दी आपने, तो उस भाव को देखकर आपका सेंस बदल जाएगा। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर, एंजॉय करिए। पेपर आप सॉल्यूशन आ रहा है ना आपके पास, सुन लेना उस सॉल्यूशन को।